पूछना चाहती हूँ कुछ सवाल कि आप कहते हैं कि ये किसानों की सरकार है, तो किसान का सबसे ज़्यादा नुकसान सर आप और मेरे निर्वाचन क्षेत्र से आज में सीमित है, वो है प्याज का। आपके यहाँ भी प्याज की दिक्कत है, मेरे यहाँ भी है। ये पहली सरकार है इस देश के इतिहास में जिसने एक्सपोर्ट पे बैन लाया है किसान के प्रोडक्ट पे। इनको पाकिस्तान का किसान को दो पैसा ज़्यादा मिले चलता है, लेकिन उनको भारत के किसान को दो पैसा नहीं देना है। और बाहर से लाएंगे प्याज, लेकिन यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। क्या इनका, कौन से किसान के लिए इनका प्यार उबल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर। और ये फिर 10 बार हमने कॉमर्स मिनिस्ट्री को पूछा है, विनती की है, या आज भारती ताई नहीं है शायद, वो भी खुद गई है, लेकिन महाराष्ट्र के बाकी के कोई सांसद ने एक बार भी उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं किया। और महाराष्ट्र सरकार, पता नहीं आप ही की सरकार है सर, आपको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस लगा ही आपका, और ये जो प्याज का जो किया है गड़बड़ इस सरकार ने, तो वो बोलिए कि एक्सपोर्ट खोल दे। और ये सिर्फ प्याज का भी नहीं है, अभी ताई आपकी पार्टी की बोल रही थी कि सोयाबीन की क्या दिक्कत है, अच्छा हुआ आपके घर से ही आपको मिला है गिफ्ट, तो वो भी कह रही थी कि आप सोयाबीन को अभी भाव नहीं मिल रहा है, वही दिक्कत है दूध की। दूध का महाराष्ट्र सरकार ने अभी सरप्लस दिया है, लेकिन पैसा नहीं पहुँच रहा है किसानों को। तो ये किसान विरोधी सरकार है ये मेरे। और डबलिंग ऑफ इनकम ऑफ फार्मर्स, वेयर इज द डेटा? ये कहते जाते हैं वी हैव डबल द इनकम ऑफ द फार्मर्स, बट व्हाट इज द डेटा टू प्रूव इट?